कि आप लोग को पता है कि जब हम YouTube पर नए आते हैं, YouTube पर नए चैनल क्रिएट करते हैं या चैनल बनाते हैं दोस्तों, तो हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि YouTube पर चैनल बनाने के बाद क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि हम लोग YouTube चैनल तो बना लेते हैं, उसके बाद क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब हम YouTube नए चैनल बनाने के बाद आपको तीन चीज़ करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि पहला चीज़ होता है अकाउंट को वेरीफाई करना थंबनेल लगाने के लिए, दूसरा होता है दोस्तों वो भी एक वेरीफाई करना होता है जो कि टू स्टेप वेरीफाई होता है। दोस्तों जब तक आप टू स्टेप वेरीफाई नहीं करते हैं तो तब तक आपका चैनल पर रिस्क होता है कि कहीं हैक ना हो जाए, हैक हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए यूट्यूब आप लोग को बताता है कि टू स्टेप वेरीफाई करना अनिवार्य है। दोस्तों मैं बताऊंगा कि टू स्टेप वेरीफाई किस तरह से कीजिएगा अगर आप नए चैनल बना रहे हैं और बनाए हैं तो टू स्टेप वेरीफाई जल्दी से कर लीजिएगा किस तरह से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है, आपने क्रिएटर पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलो मैं वीडियो को चालू करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं अपना मोबाइल लूँगा, मोबाइल में लेने के बाद आपको क्रोमो ब्राउजर चालू कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेने के बाद आपको दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्रोमो ब्राउजर चालू कर लेना है। क्रोमो ब्राउजर चालू करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे सर्च बार में टाइप करना है दोस्तों youtube.com। YouTube.com चालू करने के बाद आपको सबसे नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा सिंग इन अकाउंट, अकाउंट पर चले आएंगे। अकाउंट पर चले आने के बाद एक कोने में एक आइकन देखेगा जो आपका लोगो लगा होगा या चैनल का नेम होगा, उस पर टच करेंगे, सबसे ऊपर आपका होगा योर चैनल, योर चैनल पर चले जाएंगे। योर चैनल पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक और कैटेगरी दिखेगा कस्टमाइज चैनल, तो कस्टमाइज इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो कि यहाँ पे आपको बता रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर हो सकता है आपके चैनल में, हम देखिए दोस्तों योर अकाउंट इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ अटैक बिकॉज यू डू नॉट हैव टू स्टेप वेरीफाई। ये बोल रहा है दोस्तों कि आपका अकाउंट अभी रिस्क में है, आपका अकाउंट का टू स्टेप वेरीफाई नहीं हुआ है। ये टू स्टेप वेरीफाई यहाँ बोल रहा है टर्न इट नाउ, इसका मतलब है टर्न इट नाउ टू एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ये बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे नया आपका टू स्टेप वेरीफाई कीजिए जल्दी से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। अगर आप टू स्टेप वेरीफाई नहीं करते तो आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपका नहीं मिलेगा आपके यूट्यूब चैनल पे, इसलिए आपका टू स्टेप वेरीफाई करना जरूरी है। तो टू स्टेप वेरीफाई किस तरह से कीजिएगा दोस्तों, मैं वो आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे नीचे चले जाएंगे, जो कि नीचे आने के बाद एक आपको आइकन दिखता होगा ऐसा करके, यहाँ पे देख सकते हैं एक आइकन दिखता होगा जो सेटिंग है, वो सेटिंग को आपको चालू करना है। सेटिंग जब चालू हो जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों वो बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग हम लोग चालू कर लेंगे। सेटिंग चालू करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर चले आएंगे चैनल पे। चैनल पे आने के बाद आपको यहाँ पर देखेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग, उसके बाद फ्यूचर एबिलिटी। यहाँ पे आपको फ्यूचर एबिलिटी, एडवांस सेटिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन में होता है दोस्तों वही कि आप किस कंट्री से आप चैनल बनाए हैं, वीडियो बना रहे हैं, उस कंट्री को आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा होता है दूसरा है दोस्तों इस बार एडवांस सेटिंग, जो भी आपका एडवांस सेटिंग है यहाँ से आप मेंटेनेंस आपके चैनल का अपना कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी हर एक वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों फ्यूचर एबिलिटी, दोस्तों फ्यूचर एबिलिटी वो होता है जो आपका चैनल का मैनेज करके रखता है, जैसे कि थंबनेल लगाना, आपका चैनल का मोनेटाइज कराना, यहाँ पर सब फैसिलिटी आपको मिलकर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे चले आएंगे
फ्यूचर एबिलिटी में, फ्यूचर एबिलिटी में आने के बाद यहाँ बता सकते हैं एक मेरा अन है यहाँ पे, ये मेरा एक अन है वीडियो अपलोडेड, प्लेलिस्ट क्रिएट, ऐड कंप्लीशन द प्लेलिस्ट, ऐड न्यू वीडियो द स्टेटिंग प्लेलिस्ट, यहाँ पे और इंटरनेटल फ्यूचर यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों, इसी में आपको दिया जाएगा टू स्टेप वेरीफाई करना, स्टेप वेरीफाई करना। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा मैसेज आया है जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आया जो पहले बताया था योर रिक्स दो, तो यहीं पे आपको दिखेगा एक गेट स्टार्टेड, जो कि आपको कोने में एक दिखेगा गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड, तो आपको इस पे गेट स्टार्टेड पे आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं टू स्टेप वेरीफाई यहाँ पे आपको दिखा जाएगा। दिखने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे गेट स्टार्ट कर देना है। गेट स्टार्ट करने के बाद आपको ये गूगल अकाउंट में डायरेक्ट लेकर जाएगा, डायरेक्ट लेकर यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड वो पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, डायरेक्ट अकाउंट में लेकर जाएगा, जो कोई टू स्टेप वेरीफाई करना उसी अकाउंट में आपको लेकर जाएगा, जैसे कि आप टू स्टेप वेरीफाई यहाँ से आप कर सकते। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, जो कि मैंने पहले से ही मोबाइल नंबर डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप डू यू वांट द कोड, टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल से ले सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज, मैं मैसेज से लूँगा। तो उसके बाद आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद एक एक ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी का यहाँ पर फिलअप करना है 75 58 24, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एक इनवैलिडेटिव पिन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं, टर्न ऑन कीजिएगा। टर्न ऑन करने के बाद आपका ये सिक्योरिटी आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सिक्योरिटी टर्न ऑन हो चुका है, टू स्टेप वेरीफाई हो चुका है। इस तरह से आप टू स्टेप वेरीफाई कर सकते हो। चलो वो भी देखा दो वहाँ से हटाए कि नहीं होता है, जो मैसेज आया था वो मैसेज हटाए कि नहीं होता है वो भी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे, एक मिनट या 30 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, उसके बाद पीछे चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टू स्टेप वेरीफाई रिक्स जो है वो हटाए कि नहीं हटा है। थोड़ा देर वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरीफाई मेरा हो चुका है, ये हट चुका है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।